любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. वैगनर ग्रुप की बगावत और मॉस्को की तरफ पेशकदमी एक पेचीदा वाकया है जिसका कोई आसान जवाब नहीं। हाँ, अलबत्ता बगावत के जवाब में प्यूटन की तकरीर भी अहम थी। अपनी तकरीर में प्यूटन ने बगावत का इल्ज़ाम गैर मुल्की एजेंटों पर लगाया और ज़िम्मेदारों को सजा देने का अज़्म किया। इस तकरीर ने वैगनर ग्रुप को डराने और कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया। प्यूटन की तकरीर के बाद बेलारूस के सदर ने, जो वैगनर के मालिक से पिछले 20 साल से ताल्लुक़ रखते हैं, वैगनर ग्रुप को भागने का महफूज रास्ता प्यूटन से लेके दिया। बगावत क्यों हुई? बहुत से सवाल जहन में आते हैं, मसलन ये कि क्या 20,000 किराए के जंगजू मास्को कुछ कर्ज दे सकते थे? क्या किसी बैरूनी ताकत ने वैगनर को बगावत पे उकसाया? क्या ये बगावत किसी माशी दबाव या मुराल के जवाल की वजह से तो नहीं हुई? वैगनर ग्रुप का यूक्रेन से अचानक इनखला भी हैरान कन है। कुछ माहरीन का ख्याल है कि इनखला की वजह बगावत थी, जबकि दूसरों का ख्याल है कि इसकी वजह दीगर अवामिल थे, जैसे भारी नुकसान या प्यूटन की हिकमत अमली में तब्दीली। एक इम्कान ये भी है कि वैगनर ग्रुप दर हकीकत प्यूटन को माजूल करने की मंसूबाबंदी कर रहा था। एक और इम्कान ये है कि वैगनर ग्रुप सिर्फ रूसी हुकूमत से बेहतर शराइत निकालने की कोशिश कर रहा था। ये ग्रुप हालिया बरसों में कई खूनरेज तनाज़ात में मुलव्वस रहा है और इम्कान है कि वो माली दबाव महसूस कर रहा था। मॉस्को पर मार्च करने की धमकी देकर वो हुकूमत को मजबूर करने की उम्मीद कर रहे थे कि वो उन्हें मजीद रकम या बेहतर ठेका दे। ये देखना बाकी है कि वैगनर ग्रुप की बगावत के तवील मुद्दती असरात क्या होंगे। तहम ये वाजह है कि इस वाक़े ने रूसी हुकूमत को हिला के रख दिया है और वैगनर ग्रुप के मुस्तकबिल के बारे में भी सवालात उठा दिए हैं। वैगनर ग्रुप का इनखला इस बात की अलामत है कि ये ग्रुप इतना ताकतवर नहीं जितना पहले था। हो सकता है कि वो यूक्रेन में अपने नुकसानात से कमज़ोर हो गए हों, या हो सकता है कि वो मॉस्को पे अपनी पेशकदमी की रफ्तार को बरकरार रखने में भी नाकाम रहे हों। लेकिन ये भी हकीकत है कि अवामी सपोर्ट प्यूटन को हासिल है और फौज भी प्यूटन के साथ है। अगर ऐसा ना होता तो वैगनर अपने मकासद में ज़रूर कामयाब होते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। जुम्मे की रात से शुरू होने वाला ड्रामा कल अपनी एक्सट्रीम पे पहुंचा और जितनी वो एक्सट्रीम पे दोपहर तक पहुंचा हुआ था उससे स्पीड पे वो फ्लॉप हुआ रात गए तक। हाँ जी, रूस के वेंगलर ग्रुप ने बगावत कर दी, सो कॉल्ड बगावत कर दी प्यूटन के खिलाफ, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अपने डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ मूवमेंट शुरू हो गई। इन्होंने अपने जो पोस्ट थी, जो इनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्हें छोड़ा यूक्रेन में और आना शुरू कर दिया रशिया की तरफ। और आखिरी इतलात के मुताबिक सोने से पहले जो मैंने सुनी, 200 किलोमीटर का फासला मॉस्को से रह गया। सुबह उठे तो जो एक ख्याल में सोए थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, सुबह पता चला कि बेलारूस के प्रेजिडेंट दरमियान में पड़े, क्योंकि उनका भी 20 साल पुराना ताल्लुक था। और उसमें जो है, जो वेंगलर ग्रुप के हेड हैं उन्होंने एग्री किया और एक स्केप रूट जो है रिक्वेस्ट पे, बेलारूसियन प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट पे प्रेसिडेंट प्यूटन ने वो दे दिया। हुआ क्या, जरा इसके बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान लाली, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं pak-tak.com के, उनके साथ बैठे हुए हैं बदर मलिक जो हैं, ये काफी तजर्बा रखते हैं सिक्योरिटी इशूज के ऊपर। उसके अलावा जो है प्रोफेशनली जो है ये आईटी स्पेशलिस्ट हैं। तो तमहीद में जाए बगैर सलमान, पहला सवाल आपसे है कि ये वैगनर ग्रुप है क्या और ये एकदम इतना स्पॉटलाइट पे कैसे आ गया, इतना पावरफुल कैसे हो गया कि कल जो कुछ हुआ, जो हमने खबरें सुनी, एकदम ये किस तरह हो गया? अच्छा, ये एकदम से नहीं हुआ, ये काफी अरसे से एक्टिव थे और ये काफी नोटोरियस भी हैं। और बेसिकली ये जो वैगनर ग्रुप है उसके बारे में बात करने से पहले आपको बात करना पड़ेगी उसके चीफ या उसके फाउंडर की, जिसका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। ये साहब बेसिकली एक कॉन्विक्ट थे, 12 साल इनको जेल हुई हुई थी और जैसे ये जेल से निकले इन्होंने केटरिंग का और रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किया 1990 के अंदर।
और फिर देन ही गॉट टू मीट विद व्लादिमीर पुटिन, और दोनों की जो फॉर्चून्स हैं वो एक साथ ऊपर गई हैं, और उनके जो रिलेशंस थे विद इन द रशियन गवर्नमेंट उसकी वजह से उनको केटरिंग वगैरह का बिजनेस वगैरह मिलता गया, और इनकी जो प्रॉक्सिमिटी है विद व्लादिमीर पुटिन उस हद तक ज्यादा थी कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको पुटिन शेफ भी कहा जाता था. सो ही वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, एंड इन द मीन वाइल जब पुटिन बिकेम प्रेजिडेंट आफ्टर येल्सन जब उन्होंने छोड़ा और फिर वो प्रेजिडेंट बने, तो ये जो साहब हैं इन्होंने बुनियादी तौर पर एक मर्सनरी ग्रुप बनाया, और ये ग्रुप जो इन्होंने बनाया बुनियादी तौर पर इन्होंने रिक्रूटिंग की फ्रॉम द रशियन जेल्स, बिकॉज ही हैज स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन रशियन जेल हिमसेल्फ, सो ही न्यू अ लॉट ऑफ पीपल हु वर बैटल हार्डन पीपल हु न्यू हाउ टू फाइट एंड दे कुड बी रिक्रूटेड एज मर्सनरीज. तो इन्होंने ये बनाया, और ये बेसिकली इन्होंने खुद से नहीं बनाया, बुनियादी तौर पर इनको आशीर्वाद हासिल थी फ्रॉम द पुटिन himself as well as the Russian military. तो इनको military भी वहाँ पे military training वगैरह भी मिलती थी, इनके field camps वगैरह थे within Russia, and उन्होंने दुनिया भर के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर अपने जो जंगजू हैं वो भेजे, उन्होंने सीरिया के अंदर भेजे, उन्होंने लीबिया में खलीफा हफ्तर के साथ जो है वो जंग लड़ी, उन्होंने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के अंदर किया, और वहां पर उन्होंने जो ये हीरे की माइंस हैं वहां से बहुत ज्यादा पैसा कमाया, और इनके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जामात वगैरह भी लगाया. और ये जो एरिया है ये डॉनबास का एरिया है, इसके अंदर ये 2014-15 से सेपरेटिस्ट के साथ मिलकर गड़बड़ कर रहे थे, सो दे वर क्वाइट एक्टिव देयर. और फिर एक और मजे की बात ये कि 2016 के अंदर जो अमेरिकन इलेक्शन हुआ उसके अंदर जो अमेरिकन ने इल्जाम लगाया कि जी रशियंस ने बेसिकली यहां पर इंटरफेरेंस की है इस इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, और कैंपेन से पहले इन्होंने एक प्रोपेगेंडा वॉर चलाई है अगेंस्ट द डेमोक्रेट्स, उसके अंदर ये इन्हीं का एक ग्रुप था इन्हीं साहब का जिसके ऊपर इल्जाम लगा, और इनका नाम लिया गया बार बार, और इनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस भी लगाएंगी, और उन्होंने कहा अमेरिकन ने कि ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज चला रहे हैं. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी अरसे से ये नाखुश थे, कुछ अरसे से हमें नजर आ रहा था, इनकी खबरों में भी आ रहे थे कि ही वॉज अनहैप्पी विद टॉप मिलिट्री ब्रास ऑफ रशियन यू नो आर्मी. तो इन्होंने मुख्तलिफ चीजें कहना शुरू कर दी, कभी इन्होंने कहा कि जी हमें आप एमिनेशन नहीं कर रहे, हमारे लोग मारे जा रहे हैं. फिर अभी 2-3 दिनों पहले तकरीबन 36-48 घंटे पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम आयद किया, और इन्होंने कहा कि जी हमारे जो कैंप था वहां पर उसके ऊपर रशियंस ने मिसाइल हमला किया, रॉकेट हमला किया, या जो फिजाई हमला वो किया, तो वहां से जो है एस्केलेशन बढ़ना शुरू होगी. अब बुनियादी तौर पर चीज यह है, इंटरेस्टिंग चीज जो है मैं आपको यहां पर एक दो चीजें वो पॉइंट्स सारे मामले के ऊपर पॉइंट आउट कर दूं ताकि बाद में हमारी जो आगे कॉन्वर्सेशन होगी उसमें वो हमारे जहन में रहे और वो हमारे लिए हेल्पफुल हो इन ऑर्डर टू कंक्लूड समथिंग आउट ऑफ दिस होल कॉन्वर्सेशन. तो इतना करीबी ताल्लुक है, एंड ही वॉज अनहैप्पी विद द रशियन मिलिट्री, उनका जो वजीर दिफा है उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उनके जो चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस है उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स चल रहे थे, और वो ये समझते थे कि जी इनकी वजह से हमारे जो एडवांसेस हैं वो काफी ज्यादा गड़बड़ हो गई. एक और चीज हुई रिसेंटली, जो वजीर दिफा उन्होंने कहा कि जी ये जो वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने इनको वॉलंटियर्स का नाम दिया इस मर्सनरी ग्रुप को, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और इनको वजारत दिफा की कमांड में लाना है, तो ही रिफ्यूज इट बेसिकली, वो उसने कहा कि जी ये मैं नहीं करना जा रहा. यहां से फिर आपके सामने बताया, और आज न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि जी अमेरिकन अथॉरिटीज कहती हैं कि हमें पता था क्या होने जा रहा है, तकरीबन 36-48 घंटे पहले ही हमें पता था क्या होने जा रहा है, एंड बाइडन वॉज ब्रीफ्ड ऑन इट, बट सिंस वी डिड नॉट हैव एनी सिंपथी फॉर प्यूटन सो वी डिड नॉट इन्फॉर्म प्यूटन कि व्हाट ही वाज गोइंग टू डू अबाउट इट. और सेकंड ये चीज भी थी कि एक तरफ अमेरिकन वर आल्सो वरिड कि अगर क्योस होता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस म्यूटनी रशिया के अंदर, सिविल स्ट्राइफ होता है या सिविल वॉर की तरफ यह मामला चला जाता है, तो एक इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर अगर क्योस में चली जाती है तो उसकी क्या रिपरकशंस होती हैं. सो दे आल्सो थॉट अबाउट इट, बट वेस्टर्न अल्टीमेटली डिसाइडेड कि यार इसको जाने दें, इसको करने दें जो इसने करना है. लेकिन सीन ये होता है कि वो आते हैं, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पर मैं आप खत्म करूंगा, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तानी खुर्रम हुसैन, उन्होंने ट्विटर के ऊपर बड़े दिलचस्प ह्यूमरस वे में मुकालमे लिखे. उन्होंने कहा जी ये जो येवगेनी हैं ये इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया मॉस्को का, फिर जैसे 200 किलोमीटर के करीब पहुंचे थे वो मॉस्को के, उन्होंने यू टर्न ले लिया
और अब उन्होंने लॉन्ग मार्च का जो है खत्म करने का ऐलान कर दिया और अब वो बेलारूस जा रहे हैं। तो सिचुएशन बड़ी हैरानकुन तौर पर एस्केलेट की और बड़े हैरानकुन तरीके से वो खत्म भी होगी, सिचुएशन बिल्कुल वो लाइक कूल डाउन होगी। ये दोनों चीजें बड़ी सस्पिशियस हैं टू बी ऑनेस्ट, द काइंड ऑफ प्रॉक्सिमिटी येवगेनी हैड विद द पुतिन एंड नाउ द वे ही हैज टेकन अ यू टर्न और ये सारे का सारा जो मामला है वो डी एस्केलेट कर दिया। सो दिस इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी हुई है इन द लास्ट वीक, जो रशिया के फॉरेन रिजर्व्स हैं उनमें $2 अरब का इजाफा हुआ। At the same time, there has been news, जिसके बारे में I think Badr would tell you, you know, much better about it, के Pentagon के जो हैं कुछ चीजें, उनके जो funds हैं, वो कहीं गुम हो गए हैं। So let's proceed this conversation further, Bilal, over to you. बदर, आपसे मैं सवाल करूंगा इसी के तसलसल के अंदर। एक तो हमें जो थोड़ी सी बैकग्राउंड पता है कि यह साहब जो हैं इन्होंने प्यूटन के कहने पे अमेरिकन ब्लैक वाटर के इक्विवेलेंट बनाई ताकि जो डर्टी वर्क के गवर्नमेंट ने करना होता है वो इन मर्सनरी से करवाया जाए, प्रॉक्सीज के लिए। इन लोगों को फिर आप डिसओन कर सकते हैं कि मर्सनरीज थे हमारे पते नहीं, मिलिट्री का जाना कुछ और है। अच्छा, जो इसकी बैकग्राउंड है, मसलन ये एक यहूदी के घर में पैदा हुआ, इसका स्टेप फादर जो है कमिटेड यहूदी ज़ायनिस्ट था। उसके बाद हमने सुना कि अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो इसकी प्रोफाइल पढ़ते हैं अल्ट्रा नेशनलिस्ट था। फिर हमने कुछ अरसे पहले, कुछ महीने पहले, इसके ग्रुप वैगनर ग्रुप का झंडा तेल अवीव में भी बुलंद होते हुए देखा। और आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त जो यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर है वो बजाते खुद एक जू है, एक ज़ायनिस्ट बैकग्राउंड का से ताल्लुक रखता है। कल हमने एक बड़ी अजीब चीज देखी, वो ये देखी कि वेस्टर्न खास तौर पे जो चल जाता है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है, जो ब्रिटिश या अमेरिकन इंटेलिजेंस के करीबी लोग थे, सहाफी थे, उनकी तरफ से बहुत एक्साइटमेंट शो हो रही थी कि पता नहीं क्या हो गया। हालांकि 20,000 बंदा मॉस्को जैसे शहर के लिए, अगर प्यूटन चाहता तो कहीं पे भी उसका कला कमा हो सकता था। 20,000 रशियन आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी उनकी जो रीच है उसके हिसाब से। आप क्या समझते हो कि क्या ये जो है ये बेवकूफ बना और बातों में आ गया? क्योंकि ये भी है कि एक महीने के अंदर इसके 20,000 से बंदे जो है बखमूत के अंदर जो महाज था वहां पे मारे गए। अब एक बंदा मरता है तो आपको पता है कि उसकी फैमिली को आपने पे बैक भी करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आप 20,000 से अंदाजा लगा सकते हो कि ये करोड़ों रुपए जो डॉलर्स जो है उसका एक था। और उसके बाद हमने देखा कि उस क्या नाम है अमवात और कैजुअल्टीज के बाद इसकी रवैया चेंज होना शुरू होता है। तो आप इस सब को किस तरीके से देख रहे हो? क्या ये वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी थी या ये बेवकूफ बन गया उनकी बातों में आ गया? क्या इसके ऊपर किस किस्म के प्रेशर्स थे जो इसने इतना बड़ा डिसीजन, अनरियलिस्टिक डिसीजन लिया और अपनी ही गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ाई करने चला गया? क्या देखते हो आप? अच्छा, इसमें सारी बातों में सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि रशियन और चाइनीज ये दो ऐसी नेशंस हैं कि जिनको उनकी मूव्स को डिसाइफर करना ग्लोबल पावर्स के लिए भी, और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट और बहुत सारे लोग जो एनालिस्ट हैं जो इन चीजों को देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। सो दे हैव वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ सिस्टम्स और उनकी बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता चलती हैं जब तक के एक सर्टन टाइम पीरियड, जब तक के वो ना चाहें। जब तक वो चाहेंगे वो इंफॉर्मेशन को रोक सकते हैं, उस चीज को एक स्मोक स्क्रीन में रख सकते हैं। सो दे हैव द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू डू दैट। तो इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कल जितना कुछ भी हमने देखा वो ज्यादातर वेस्टर्न प्रोपेगेंडा मशीन के थ्रू उसको प्रोपेगेट किया गया। सारे जो न्यूज चैनल्स थे वो सिर्फ एक ही चीज को टो कर रहे थे और वो एक कू 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 और कू के वर्ड को हर जो चैनल है उसने उसको टो किया हुआ था और उसी एजेंडा के ऊपर चल रहे थे। तो वेस्ट के लिए इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू कि रशिया के अंदर कू होने लगा है और वो दे आर इवेंचुअली गोइंग टू गेट रिड ऑफ पुटिन। सो दे वर थिंकिंग कि कुछ इस तरह की चीज हो जाएगी। बट रशिया का सिस्टम जो है वो बड़ा इट्स वेरी स्ट्रिंजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है और उनकी कोई 800-900 साल पुरानी हिस्ट्री है एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दोज टर्म्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरा जो हमारा अभी तक अंदाजा है वो यही है
कि इसके पीछे दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड मनी, कि वो जो 6.2 बिलियन, जैसे लाली साहब ने फरमाया कि वो 6.2 बिलियन का जो अकाउंटिंग एरर हुआ है वो दैट प्लेड इट्स पार्ट, और उन्होंने इसको फंड किया, फंड करके इसको, जारी बात है कि 800 इट्स लाइक अराउंड 900 किलोमीटर फ्रॉम रोस्टोव टू मॉस्को, सो दे जस्ट स्पेंड द होल टाइम, वो वहां से सारा टैंक्स ARVs और वो सारा कुछ उठा के लेके आए मॉस्को तक, और वो वहां पर ला के उन्होंने पूरा जो है वो अपनी पावर का डिस्प्ले किया। तो ये सारी चीजें जो है इसमें अभी तक इतनी क्लैरिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता कि जी ये वेस्ट का जो कोई सिर्फ प्रोपेगेंडा था या रशियंस का कोई अपना स्कीम थी, बट देर इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द यूक्रेन वॉर एक रिफ्ट रशिया में नजर आ रही है जो कि स्ट्रेटजी और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के ऊपर है। जैसे रशियन मिलिट्री में काफी सारा डिवाइड है इस स्ट्रेटजी के ऊपर जो यूक्रेन में अडॉप्ट की जा रही है, तो ऑन द फेस ऑफ इट यही लग रहा है कि ये कोई डिसएग्रीमेंट था एट लार्ज जिसको उसने समहाउ पीसफुली तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि दो हेलीकॉप्टर्स भी उसने कल गिराए हैं और उसने रशियंस को अच्छा खासा एक थ्रेट पोज किया। और कल की जो पुटिन की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी और उसकी जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो भी ये बता रही थी कि ही वाज क्वाइट डिस्टर्ब्ड एंड एजिटेटेड अबाउट दैट, और उसने ये क्लियरली इसको कहा है कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर एंड इट्स अ म्यूटनी दैट विल बी क्रश्ड इवेंचुअली। बट उसके बाद फिर बेलारूशियन प्रेसिडेंट ने उसको कुछ थोड़ा सा कम्फर्ट किया, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली वो ये है कि रशिया जैसा पावरफुल कंट्री उसको अपने एलाइज जैसे बेलारूस की जरूरत पड़ गई इसमें निगोशिएट कराने की। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वे इनिशिएटिव ऑफ बेलारूसियन प्रेसिडेंट, क्योंकि पुतिन का ये दोस्त है, इसी तरीके से उसका भी दोस्त है। एग्जैक्टली, बट बात यह है कि इट इज अबाउट द टॉक ऑफ पावर, सो वेन यू टॉकिंग टू अ वेरी पावरफुल कंट्रीज प्रेसिडेंट, और पुतिन जो है वो एक ऐसे रशिया को रिप्रेजेंट करता है जो कि इट इज स्टिल अ वेरी पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड डिस्पाइट ऑफ सोवियत यूनियन के डिबेकल के बाद, और उसके बावजूद रशिया जो है वो एक बहुत पावरफुल कंट्री है और बहुत उसका एक लेवल है दुनिया के अंदर, और उसको इस तरह से एक अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है। तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह भी समझता हूँ कि इट वॉज जस्ट अ स्टार्टर और अ ट्रेलर फॉर एन अदर अटेम्प्ट ऑन पुतिन, और पुतिन की कुछ चीजों से मुझे ये महसूस हुआ है, रशियंस की कुछ मूव से मुझे महसूस हुआ है कि वो कल थोड़ा सा रिसेसिव थे इस सारे मामले में, एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू अवॉइड अ कोलेट्रल डैमेज, सो दे डिडंट वॉन्टेड टू किल ऑल दोस 20,000 मैन और वट एवर द नंबर ऑफ मैन दैट वर ट्रेवलिंग फ्रॉम रोस्टोव टू मॉस्को। तो वो रशियंस चाहें तो उसको बड़ी हैवी हैंडेडनेस से रोक तो सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया कि इसको जो है वो कामली और कंफर्टेबली डील किया जाए। लेकिन अगेन वही बात है कि रशियंस का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो इंफॉर्मेशन जो कि वो चाहते हैं सिर्फ वही बाहर आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आती है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है, और ये भी मिस्ट्री जो है ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अनफोल्ड होते हुए, और फिर आगे यूक्रेनियन वॉर के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स में हमें अंदाजा होगा कि कितना जो रिसेसिव हो गया है रशिया, रिसेसिव हो गया है या एग्रेसिव हो गया। सो दिस विल द टाइम विल टेल कि रशिया की आगे क्या स्ट्रेटजी होगी टुवर्ड्स द वेस्ट एंड द यूक्रेनियन वॉर इन पर्टिकुलर। बहुत शुक्रिया यार सलमान, आपसे आखिरी सवाल ये मुझे बताओ कि कल चाइनीज के जो है चाइनीज मीडिया को हमने देखा फुल सपोर्ट में था, उसके बाद पुतिन ने अर्दवान से भी बात की, उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशियन कुछ सरबराहाने मम्लिकत से भी बात हुई, हो सकता है कि किसी लेवल पे चाइनीज से भी बात हुई हो। तो आपने ये जो हम देख रहे थे कि पहले एक यूनिपोलैरिटी खत्म हुई, चाइना ने सबसे पहले और रशिया ग्रो करना शुरू हुआ, हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ आना शुरू हुए, क्या आप समझते हो कि इस वाकये के बाद क्या उस मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो हम जा रहे थे उसके अंदर शिद्दत आएगी, या आप किस किस्म का हिकमत अमली खास तौर पर रशिया की तरफ से, क्योंकि रशिया जितना अहम है यूरोप के अंदर चाइना के लिए उसी तरह रशिया की एक अहमियत जो है चाइनीज फार ईस्ट के अंदर भी है,
जो जहाँ पे इंडो पैसिफिक के या पैसिफिक ओशन के अंदर अमेरिकन अपने आप को इंक्रोच करना चाह रहे हो, तो आप क्या देखते हो कि इस वाक्य के बाद चाइना और रशिया इनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, या करीब आएंगे, या क्या आप देख रहे हो? देखें, ऑल ऑफ दिस थिंग इज एक्सट्रीमली सस्पिशियस. जैसे बदर भाई ने अभी बताया, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू कंसीडर. एक तरफ उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, उन्होंने 20,000 लोगों को जो इनकी M4 हाईवे मॉस्को की तरफ जाते हुए, उन्हें मारा नहीं है, ना उनके ऊपर कोई एयर स्ट्राइक की है, बिकॉज प्यूटिन वांटेड टू अवॉइड कोलैटरल डैमेज ऑफ रशियंस बेसिकली. सो अगर 20,000 रशियंस वहां पर मारे जाते हैं, देयर फैमिलीज, वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, वो पूरे का पूरा रशिया को वो ग्रिप कर लेती है, वो सारी की सारी सिचुएशन अवॉइडेड है. सेकेंडली, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है बिलाल साहब, कि अगर आप वेस्टर्न मीडिया को देख लें आज, और फिर आप रशियन मीडिया को देख लें, आप आरटी को देख लें, they are on the same line almost, they are reporting on the same line somehow. Iske andar western media ke andar ek cheez aapko milti hai, wo ye kehte hain ki ji basically jo russian control over the whole system and jo putin's control over the system hai, it has been shaken. So this is something that Badr saab also mentioned, ki ji he was visibly angry and aggressive in his speech. और उन्होंने 1917 की वो मिसाल दी, first world war की, और उन्होंने कहा कि जी we can't allow it to happen again. अब एक तो ये चीज होगी, we are still suspicious के what happened and what is going to happen इस सारे मामले के अंदर. As it has already been mentioned here in this conversation, के Russians are quite like secretive. Or Putin being a spy himself and the kind of intelligence operators they have, it is, you know, highly unlikely for somebody like Wagner Group or its chief ke wo aaye aur wo ye sab kuch kar de. I don't think so. Lekin dusri taraf aapne kaha ki jo hum multipolar duniya ki taraf badh rahe the, मेरे ख्याल में ये एक वाकया उसकी पेस को या जो इवेंचुअली होने जा रहा है दुनिया के अंदर, उसको उसके अंदर कोई ज्यादा किरदार मेरा जाती तौर पर ख्याल नहीं करेगा. जो प्यूटिन ने मुख्तलिफ लोगों से फोन करके राबता किया बताया, सो ही जस्ट वांटेड टू अप्राइज अदर एलाइज के जी बेसिकली आई एम इन कंट्रोल, नथिंग इज टू बी वरीड अबाउट, सो डोंट वरी, जस्ट लिसन एंड वेट के क्या होने जा रहा है. जो उनका कॉन्फिडेंस एक आपका होता है, आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं व्हेन यू कांटेक्ट अदर वर्ल्ड लीडर्स टू लेट देम नो कि जी थिंग्स आर इनकम्प्लीटली इन कंट्रोल, सो नथिंग इज गोइंग टू चेंज. एक तो ये चीज है. जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो अपनी पेस के ऊपर किसी हद तक चलता रहेगा. एंड ऑफकोर्स यहाँ पर मल्टीपोलैरिटी के अंदर एक सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो फ्रॉम द यूएस एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड है, और बेसिकली उनके पास जो इकोनॉमिक टूल्स हैं वो बुनियादी तौर पर इसके अंदर सबसे बड़ी रेजिस्टेंस ला रहे हैं. बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिक चैलेंजेस विद इन यूएस आर सच के अल्टीमेटली द मल्टीपोलर वर्ल्ड इज बाउंड टू हैपन इवेंचुअली, दिस इज व्हाट आई थिंक. और जहां तक ये सूरत हाल है, आने वाले दिनों के अंदर विल सी व्हाट इज एक्चुअली व्हाट एक्चुअली हैपेंड, और उसका जो फ्यूचर है उन साहब का वो क्या होने जा रहा है, और जो वैगनर ग्रुप है वो इवेंचुअली खत्म कर दिया जाएगा, उसमें से कितने लोगों, बिकॉज उनको ऑफर किया गया है, वो लोग जिन्होंने इस म्यूटनी में हिस्सा नहीं लिया वो ज्वाइन कर सकते हैं आर्म फोर्सेस को. तो देखने को अभी बहुत कुछ है, तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन ये हमें पता चलेगा कि इनका इवेंचुअली क्या फ्यूचर निकलता है. टाइम हमारे पास कम रह गया, क्विक आपका भी आंसर चाहिए. हमने कल देखा कि कादरोव जो है चेचनियंस और जो खासतौर पे मुस्लिम जो रशियंस हैं वो खुल के सामने आ गए, और इवन जो है जहां जहां पे ये वैगनर वाले थे वहां वहां पे वो तैयार थे उनको लड़ने के लिए. अच्छा, प्यूटिन का जाना कोई छोटी बात नहीं होगी, क्योंकि प्यूटिन जाता है तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट चाइनीज पे पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चल रही है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके अमेरिका के लिए दर्द सर बने हुए. इसलिए जो मैंने वो सवाल किया कि जो है इसका क्या असर होगा, प्यूटिन का सर्वाइवल चाइना के लिए बहुत जरूरी है, ये तो हमें एक समझ आ रही है. अब आप क्या देखते हो कि जो एक हमने देखा, एक मैं आज एक एक्स MI6 के ऑफिसर की ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहता कि जी बगावत तो नाकाम हो गई है लेकिन प्यूटिन की वल्नरेबिलिटी जो है वो खुल के सामने आ गई. क्या वाकई
वल्नरेबल है प्यूटन, या उसके पास ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो कि हमने देखा अभी, जो उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, क्या आप कहते हो? इसके अंदर अच्छा ये लारी साहब से पूछा आपने, बदर आपसे, बदर आपसे। अच्छा इसमें इसमें जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज वो यही है कि पुटिन नो डाउट चाइना का बहुत जबरदस्त एलाय है, और उसके चाइना के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं वो पुटिन के जब तक पावर में रहेगा वो तब तक जो है वो कायम रहेंगे। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि चाइना जो है वो अपने रिलेशनशिप्स जो है वो रशिया के साथ बिल्कुल ठीक रखे और वो सपोर्ट करे रशिया को इन टर्म्स ऑफ एनी सिचुएशन दैट अराइजेस। बट आपको पता है कि चाइना का भी मोडस ऑपरेंडाई बहुत फर्क है, सो दे आर नॉट वेरी गुड एट इंटरवीनिंग इन अदर कंट्रीज इशूज एंड मैटर्स। तो इसमें जो रशियन प्रेसिडेंट की कॉल्स हैं डिफरेंट एलाइज को और उस तरह से, तो ये दोनों तरह से शो करता है कि पोजिशन ऑफ पावर भी है और अपोजिशन ऑफ वीकनेस भी है। पोजिशन ऑफ पावर इन द वे के ही केप्ट हिज एलाइज टुगेदर, जिसमें के चेचन प्रेसिडेंट को भी उसने साथ अपने शामिल रखा है, वो तो खैर नेचुरली उनके साथ कंप्लीटली एलाइड है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी चेचन जो हेड है इसकी बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं फ्रॉम द विद द हेड ऑफ दिस वेंगर ग्रुप, तो इनका बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप रहा है। और दूसरा ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि यूक्रेन के अंदर बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले किया है वेंगर ग्रुप ने, और इन्होंने रशिया के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक आर्म के तौर पे, स्ट्रेटेजिक एज के तौर पे काम किया है, क्योंकि जिस तरह की अर्बन वॉरफेयर और जिस तरह का वहां पर सिचुएशन थी यूक्रेन के अंदर बहुत सारे एरियाज को होल्ड करने के लिए और उनको वहां पर कैप्चर करने के लिए, तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरत थी किसी इस तरह के रोग ग्रुप की जो कि वहां पर सही तरीके से पेनेट्रेट कर सके। तो इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको हम नहीं रूल आउट कर सकते, और रशियंस भी समझते हैं कि इस तरह का जो ग्रुप है जिसने उनको बहुत ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक एज यूक्रेन में दिया उसको एकदम से ये एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो सिचुएशन है अगेन वो इट इज वेरी ब्लर एट द मोमेंट। हम डेफिनेटली भी या कंक्लूसिवली नहीं हम कह सकते कि यहाँ पर अभी इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आएगा, बट डेफिनेटली यूक्रेन वॉर के अंदर कोई भी जो नए चेंजेस आएंगे और रशिया की जो स्ट्रेटजी होगी यूक्रेन के अंदर, दैट विल बी द पॉइंट कि जहां पर हमें अंदाजा होगा कि रशिया ऑल आउट आ गया है या रिसेसिव हो गया है। सो दिस इज द पॉइंट कि जहां पर शायद पुटिन को प्रोवोक किया गया है टू हैव अ मोर ओपन कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट द नेटो एंड द वेस्ट, और ये शायद समहाउ अमेरिकन प्लान हो सकता है कि मजीद प्रोवोक किया जाए रशियंस को ताकि वो खुल के वेस्ट और उसकी तरफ बढ़े और कोई एग्रेसिव और डिसाइसिव कोई स्ट्रेटजी जो है उसको अडॉप्ट करें रादर देन वॉर ऑफ अट्रिशन दैट दे हैव कंटिन्यूड सो फार। बहुत शुक्रिया सलमान और बदर भाई आपका। बात यह है कि प्लान ये तो खैर आगे जाके पता चलेगा कि ये प्लान थी या फिर गलती हो गई, मिसपरसेप्शन या जज्बात में आके हो गया, क्योंकि अगर तो प्लान्ड होता तो इतनी जल्दी ये फिजल आउट ना होती जो पूरी ये एक बगावत थी। जितनी स्पीड पे बगावत हुई उससे ज़्यादा स्पीड पे वो ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे गलती हुई है। एज अ लेमैन अगर मैं सोचूं तो मुझे तो यही लगता है कि जो कैजुअल्टीज हुई और जो इकोनॉमिक बर्डन आ रहा था उससे बचने के लिए एक बेवकूफाना हरकत की गई, लेकिन उसके बाद जान बचाने के लिए फिर बेलारूस के प्रेसिडेंट का सहारा लेना पड़ा। अपना ख्याल रखिए, अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिए और खसूसन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सलमान को और बदर भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।